अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अदारा वन टी वी चैनल के प्रोग्राम कोड़ा सच पे शहजादा सलीम तुसां दी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, तहरीक सूबा हज़ारा की पहली दफ़ा आवाज़ 1957 में एडवोकेट मुफ्ती इदरीस अपने चंद रफका खसूसन उबैदुल्ला शाह साहब वगैरह के नाल इस सूबे हज़ारा की पहली दफ़ा तहरीक का आगाज़ किया और आवाज़ उठाई। लेकिन 1960 के अयूब खान दे दौर दे जिहड़े लोकल बॉडीज़ दे इलेक्शन ने वन यूनिट प्रोग्राम उसके तहत वो तहरीक उसकी बीन चढ़ गई और दोबारा इस तहरीक का आगाज़ मलक आसफ एडवोकेट 1987 अदारा कौमी माज के नाँ इसका दोबारा आगाज़ किया। लेकिन कुछ अरसे बाद उन्होंने नगानी मौत दोबारा इस तहरीक दम तोड़ गई। उस तो बाद त्री दफ़ा 2010 पाकिस्तान पीपल पार्टी पार्लियामेंटेरियन की हुकूमत जिस वे 18वीं तरमीम कौमी असम्बली में पेश की तो उसकी एक शेक जिस वे साढ़े सूबे का ना NWFP तो तब्दील करके तो खैबर पख्तून हा रखा गया तो असाने अदारे के अवाम उसां यकसर मुस्तरद करदे होया इस तहरीक का दोबारा आगाज़ बाबा हैदर जमान साहब मरूम की क्यादत में दोबारा इस तहरीक का आगाज़ किया। और इस तहरीक की कामयाबी और नाकामी की के वजूहत हैं इस सिलसिले में असा अपने स्टूडियो में जिस मुअज़्ज़ज़ मेहमान आ अज दावत दी है उन्होंने नाँ है सुल्तान और आरफीन। सुल्तान साहब तहरीक सूबा हज़ारा दे साबक चेयरमैन और मौजूदा जनरल सैकटरी और शरीक चेयरमैन भी आने। सुल्तान साहब, असी अपने प्रोग्राम कोड़ा सच में तुसा हर कद आओ तो जी आया आखने। शुक्रिया जी। मैं तुसा हज़ारा वन टीवी की पूरी टीम मुबारकबाद देना कि वह अपने महदूद वसायल में जो हज़ारा के मसायल और दीगर चीज़ें उजागर कर रहे हैं ये मुकाबले सताइश है। बहुत अच्छा लग रहा है तुसी जो कुछ कर रहे हो, खासकर इनको दे जरिए तुसी जिहड़ा पैगाम दे रहे हो इसते मां बड़ी खुशी है। एक दफा फिर सुल्तान साहब, तुसा अपनी सियासत का आगाज़ कदों ते किस तरह किया? मैं जी सियासत का एक मेरे मैं समझना अगर सियासी आदमी आसाती तौर पर नहीं बनता, बचपन तो ही कोई ना कोई उस पर जरासीम आते हैं। मैं तकरीबन 1969-70 में कराची में पढ़ना है। अच्छा। तो उत्थे असी जमा इस्लामी के प्लेटफॉर्म का असा उत्थे कॉलेज में एक शुरू अपनी सियासत का आगाज़ किया। अच्छा अच्छा। फिर उस तो बाद मैं इटाबाद आ गया, मेरे वालद साहब की डैथ हो गई, मैं इटाबाद आ के इतने कॉमर्स कॉलेज में इतने भी मैं इलेक्शन में हिस्सा किया, मतलब चला चलता रहा। तो उस तो बाद मतलब इस तरह एक असंदी हज़ारे की सियासत जी है ना जी। अच्छा। वो एक मखसूस खानदाना का या एक मखसूस टोलियाँ को होंगी है। मेरा कोई बडेरा किसी की पार्टी बच है ना, मैं ना चाहते हो भी उस पर जुलसा। अच्छा। असं एक अजीब जी सियासत है, असंद कोई उस तरह सियासी चीज़ नहीं हो तो जी मैं आना काबिल अफसोस है। मैं कम अज़ कम ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, हर आदमी की एक सोच होनी चाहिए, सोच है भी है और उसके मुताबिक अगर बंदा अपनी सोच के मुताबिक किसी पार्टियाँ ज्वाइन करता है या किसी काम करता है तो ज़्यादा बेहतर होता है बजाय कि मैं अखियाँ नूट के एक आदमी के पिछे चुलना। ये असल हज़ारे की टोटली ये सियासत है कि असं अखियाँ नूट के किसी पिछे चुलने हैं, असल अपना कोई सोच नहीं होंगी उस बच्चे तो असं उस वास्ते जिंदे मरदे भी हाँ सब कुछ करते। अच्छा सुल्तान साहब, तुसां दे ख्याल के मुताबिक मजीद सूबे बनने चाहिए? बिल्कुल बनने चाहिए, ये वक्त की जरूरत है। तुम देखो जी, मैं पहले भी जिक्र किया कि हज़ारा एक जिला होंगे है, इस जिले कितने मसायल होंगे, उस कितनी मुश्किलात होंगे। अज हज़ारे के 8 जिले बन गए, क्या आम आदमी है उसका नुकसान है या फायदा है? फायदा हर आदमी है। इस वास्ते जितने ज़्यादा सूबे बन सन उतना ही इस मुल्क की बका है, इस मुल्क के आम आदमी के मसायल जो है उसकी दहलीज से हल हो सन बजाय इसते कि ना पिछे फिरने। अज असी सूबा हज़ारा की डिमांड करने हैं, मुल्क पे दूसरी जगह पर भी सूबे सूबा पठवारे जनूबी पंजाब में और जिते जिते भी सूबे की कोई डिमांड कर रहे हैं अपना फाटा भी लोग कर रहे हैं, बड़े अच्छी तरीक़ा चल रही हैं, असंद रबते भी हैं। लेकिन जिस वक्त फाटा एग्जाम किया गया KPK बिच भी उन्होंने बड़ा जुल्म होया है कि वो मतलब पहले ही बुरी हालत थी KPK की, तो उस बिच तुसी फाटा मतलब एक बहुत बड़ा एरिया है, बहुत बड़ा एक सिलसिला है, उसने तुसी जरा इस पर जम किया है उन्होंने लोगों को उस वक्त नहीं समझ आई जहाँ वक्त गुजर रहे असने उन्होंने रबते होंगे बड़े परेशान हैं।
आते हैं असें के जाबे को छोटे दुए के फसा छड़े ना संबंध में तो साढ़े ख्याल के मुताबिक तहरीक सूबा अदारा बतौर सियासी जमात इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में रजिस्टर होना चाहिए है या नहीं होना चाहिए है। देखो जी एक सियासी जमात बिल्कुल होना चाहिए है मेरे हिसाब न उसकी वजह यही कि बगैर असी किसी दूसरी जमात इनसार करके असी ये चीज़ न कहने रखते आज मुस्लिम लीग नून है या पीपल पार्टी या PTI है अज उन्होंने जोड़े हजारे के मैंबर उन्होंने के किरदार है असल हजारे तरक्की या सूबा हजारा वास्ते वो 18वीं तरमीम तो बाद इन लोग को अपने पार्टी सरबराह के बंद होंगे उस तो बगैर ये गल नहीं कर सकते। मैं तुसा निकी जी एक मिसाल देना है अजकल असने कंपलैक्स भी बड़ी तुसाने काफ़ी उसके प्रोग्राम भी कर रहे हो ठीक है कंपलैक्स का जो डायरेक्टर सा अपना चेयरमैन है बोर्ड का वो पंजाब दा लाहौर दा शौकत खानम दा डॉक्टर आसम साहब ठीक है 28 लाख रुपया वो तनख्वाह कर कैनरे जकात फंड तो ठीक है ते असन दे स्पीकर साहब जो असन दे बदकिस्मती हाँ या कुछ टबाद तलक है ते ओ उन्हां कोलो टाइम कहन के लाहौर कहन मिलने हैं चेयरमैन बोर्ड अच्छा चेयरमैन साहब इन्होंने टाइम दे के आप कराची चले गए। तहरीक सूबा अदारा रजिस्टर कराने में किसका किरदार है अहम किरदार अहम किरदार तुसी मैं तुसा सॉरी नाल नहीं आना क्या मैं जो असा मैनीफेस्टो है ते अच्छा इस बिच मुश्ताक गनी साहब का नाम सारे फहरिस्त अच्छा डॉक्टर अजहर साहब का नाम सारे फहरिस्त यूसुफ अयूब साहब का नाम सारे फहरिस्त ठीक है मानसेरे तो तारक खान स्वाती के भरा है तारक खान स्वाती उस वक्त काफ लीग दे जहरे किसी मेंबर किसी पार्टी का हो दूसरी भी नहीं आखता जब तक तो उन्होंने भरा एक भरा ने नहीं एक जफर खान मुजफ्फर खान सॉरी ए और एक दो नाम है मैं सर जिस तरह तुसा ये गल की थी कि इस तरह रजिस्टर होना चाहिए लेकिन रजिस्ट्रेशन तो बाद देखा जुले तो इस पिच कोई भी बड़ा सियासी खानदान क्योंकि तुसा आप एक गल की थी पाकिस्तान की सियासत खसूस फैदारडवियन की बेस करती है बरादरीज़म और मरूसीयत से ठीक है और जिस वक्त तुसा इसे रजिस्टर कराया फिर उस तो बाद इस पर कोई भी बड़ा खानदान कोई भी बरादरी जी है उसते उम्मीदवार इस पर नहीं आए और नतीजा ये निकलिया कि असम्बली पर छठ सी आवाज़ ही कोई नहीं और ये तो उल्टा नुकसान नहीं होया सर रजिस्टर करा के अगर ये तहरीक रही तो फिर तो सारे संघन के नाल जा लगते लेकिन जिस रजिस्टर हो फिर इस जरूरी है कि साल बड़े खानदान बड़िया बरादरियाँ आन ताकि इस तरीक अगे गिन के जुलो ना और असम्बलियाँ तक आवाज़ पहुँचे आ बिल्कुल सारी गल बिल्कुल बजाय यह सारी बदकिस्मती है कि इन लोगों मैं जो समझना ना असल में बाबा जी एक बड़े सीधा सारा मुसलमान आदमी है इन्हें लोगों जो मैं बाद एनालिसिस किया कि इन्हें लोगों को इन्हें माना चाहिए है तहरीक तो निकलने का ऑलरेडी ये जमीन तो उठ के उत्ते आ गए काफ लीग तो बाद मुशरफ तो बाद ये बिल्कुल डाउन हो गए लोग अंडरग्राउंड चले गए जिस वक्त इन्होंने देखा कि यार असं तो हम बिल्कुल फिर आप हो गए हैं पूरी पाकिस्तान में इंटरनेशनल लेवल से असने ना पे चल देने लगे थे तो इन्होंने बाबा जी हाँ तंत कला छोड़ दिता तो इन्हें मजबूर किया कि जरा सियासी जमात होनी चाहिए असी सारे लोग इस पर चाह सा ठीक है मतलब असने 20-22 सीटा कट्ठिया बाहर कोई भी नहीं जाता लेकिन वो इन्हें मकार एक साजिश की थी साजिश इन्हें की थी खत्म करने तेरी खत्म करने से अपनी जान इस पे जो कटने आते हमें दिन हजारे वाल उन्होंने नहीं छोड़े उस टाइम होते अपनी मुर्दा सियासत पे जान पाई है और आगे जो ही इलेक्शन आए वो बढ़िया पार्टियां में शामिल हो गए उन्हें इलेक्शन कंटेस्ट करके इवाना तक भी पहुंच गए और जिस काज ना कहने की आगे बढ़े उसे ही नाकाम हो गई हो जी बिल्कुल इसी तरह है बिल्कुल सही गल बजाए इन्होंने मतलब असा हजारे वाल सोचना चाहिए कि असल के हो रहा है असि किसी नुमाइंदा किसी भेजने जिसने सर हजारे वाल इस तरह सियासतदान लोग उन्हें मतलब कि गुमराह कर सुन और फिर ईवन खुद साथ भी ना दे सुन तो फिर जाहिर गल तो आवाम है तो वोटा पाई आई तो मजीद अगे भी वोटा दी रही लेकिन ये कामयाबी उस सूरत में तहरीक आ तो टोटली इन्हें नाकाम कर सटे तुसा इस कोई आवाज़ नहीं उठाई इन्ह लोगों नहीं बन के मिले हो तुम तुसा साढ़े के ईवन स्पेशली तहरीक के हवाले जी बिल्कुल अक्सर इन्होंने मुलाकात हुई हैं हर तरह असा किया है फिर इन्हें तहरीक का ना इस्तेमाल हर जगह पर किया है इलेक्शन तो लैके अज तक कर रहे हैं जो भी इन्होंने कोई मसला होंगे अच्छा इस 2018 के स्टार्ट बिच इमरान खान साहब का तो बाद जलसा प्रोग्राम है असा एहतजाज का कॉल दे छोड़ी अच्छा इसी दौरान बिच मतलब मैं स्पीकर उस वक्त अजकल जो असद कैसर साहब हैं उस सूबाई असम्बली के स्पीकर सन ये मुश्ताक गनी साहब और इस तरह के जरगोल खान साहब ये सारे आ गए जी बाबा जी कोल
इन्होंने तहरीरी एग्रीमेंट किया इन्होंने चीज़ों का हजारे के महरूमिया का और बलखसूस सूबा हजारा का। अच्छा जो लोग शहीद हुए सुन जो लोग जख्मी हुए सुन उन्होंने सारे के इन्हों मुआवजे तक मने 2010 12 अप्रैल जो वाक्य होया है उसकी जी एफ आई आर कटी गई उस किसके खिलाफ कटी गई और उसके के अगले अमली इकदाम हुए? उससे कुछ भी नहीं हो जी, वो एफ आई आर बस उल्टी इन लोगों के खिलाफ मुश्ताकनी बाबा अब्दुर्रहमान कासम शाह वगैरह के खिलाफ कटी गई जी अज भी फाइल हुई है इन्हों के खिलाफ कटी गई है। हालांकि उस टाइम उसे तो हुकूमती अहलकार जो उन्होंने मतलब फायरिंग वगैरह उन्होंने नहीं कटो जी ना। अच्छा वो जो उन्होंने कमीशन बनाया उस पर तहरीक की गलती सी कि उस कमीशन नहीं मानना चाहिए है। अच्छा जुडिशल कमीशन जो बनाया इन्हें। अच्छा क्योंकि वो हुकूमत के कमीशन आते हैं वो फैसला कभी कदे भी हुकूमत के खिलाफ उन्हें जुलते। अच्छा वो कमीशन की ना रिपोर्ट मनी उस पर बयान भी देते मैं जो समझना कि ये अस नहीं मानना चाहिए। उस तो बाद असी सुप्रीम कोर्ट तक गए। अच्छा बदकिस्मती हुई कि 18वीं तरमीम के खिलाफ एक केस लगे दाया सुप्रीम कोर्ट ने। देखो 18वीं तरमीम के और बहुत सारे फायदे भी है ना, ईवन सूबे अख्तियारात मुंतकिल होए ने, तीसरी दफा वज़ीर आज़म बनना है जिसके करके स्पेशली ये मुस्लिम लीग नून भी उन्होंने साथ दिता है और इस तरह सदरती अख्तियारात जो वज़ीर आज़म मुंतकिल होए ने ये एक नथी किया गया छोटा जा एक शिक की सूरत में सूबे का नाम। लेकिन इस बेसिकली फिर सुप्रीम कोर्ट अगर की किया सुप्रीम कोर्ट में गल करना है कि 18वीं तरमीम का केस लगे उ ठीक है असं की एप्लीकेशन गई या रेट जो भी गई वो जज साहब ने चाह के उसी नाल नथी कर दी उस केस। अच्छा दो तीन महीने चलता रहा डेटा आती रही हैं वो जिस वक्त वो पूरी रिट उन्होंने 18वीं तरमीम खारिज की थी नाल असं भी उन्होंने चाह के सारे क्योंकि नथी हो गया कि चीज़ और रिलेट उस 18वीं तरमीम ने करता है वो बदकिस्मत असं भी उन्होंने सारे चाह के बाहर 31 मार्च 2014 साड़ी सूबाई असम्बली के पी के दी एक सूबा दरा दे उस एक तहरीक पेश की थी उसका केस स्टेटस है सर। सर ये मजाक इतना बड़ा मजाक है जारेवाल नाल टोटल उस वक्त 28 मेंबर मौजूद है असम्बली बिच ठीक असं नुमाइंदे बड़ी वजाहत की एक अजकल हम MPA साहब नहीं रहे मेरी उन्होंने बड़ी लंबी दूर अखिली असम्बली में मौजूद अक्सरियत नाल हालांकि आई ना पढ़ो तुम आर्टिकल 239 है उस वाजे तौर पर लिखे था 2/3 मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबर्स तुसों को 28 मेंबर बैठे हैं तो 28 में जो भाई। अच्छा मजे की गल है कि उस करारदाद तो 5 मिनट बाद एक और करारदाद पेश हो गई है जनाब ओकड़ी जमात इस्लामी ने पेश की थी। अच्छा उसी दिन उसी टाइम पे ठीक है कि यार इस तरह ना सूबा हजारा का हजारा पख्तूनख्वा रख दो। अच्छा अजीब मजाक मतलब फिर इन्होंने पख्तून वाली हर जगह ऊंचा दिन के बीच शामिल होनी चाहिए वो तो शामिल होनी चाहिए थी। ठीक है तो ये इन्होंने एक मजाक किया है असल सिर्फ इन्होंने आ थे ये तरीक हूँ सर इन्हें को दो ताई अक्सरियत मौजूद है मौजूद है पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत को तरीक दोबारा मतलब ये बिल दोबारा पेश होना चाहिए करारदाद दोबारा पेश कर बिल्कुल होनी चाहिए। फिर इन्होंने अपील है कि असने भेज दी है कौमी असम्बलियाँ कौमी असम्बली दोबारा इस पास करके फिर सूबे को भेज दिए भाई तुम डबल डबल क्यों काम कराते हो तुम को अज मेजॉरिटी मौजूद है सॉरी गल है तो तुम अज पास करा के तुम भेजो ना। नाज़रीन इतने एक असी छोटी जी ब्रेक इंसान तुम फिर मिलने साढ़े नाल रहे हो You'll see beauty parlor, best parlor of city. We are good in everything. Hair cutting, highlights, low lights, by blow dry, keratin trimming, full body waxing, eyebrows, manicure and pedicure makeup massage. Please come and try. Sardar Ali Plaza, Jeerawala Gate, Haripur. वेलकम बैक नाजरीन असी अपने प्रोग्राम का आगाज उतों ही कर सा जितों सिलसिला टुटा है। सुल्तान साहब सरजमीन अदारा की बड़ी वादी जी पुरसकून और बड़ी खूबसूरत वादी इस पिच एक खून की होली खेड़ी गई 2010 12 अप्रैल और अज दिन तक उसके जोड़े शोहदा है उन्होंने फिर कुछ भी ना बनया जस्ट वो जोड़े लोग ये नारे मारे उन्होंने सियासत की अपनी मुर्दा सियासत पर जान पा के दोबारा अपने अपन शाखा के मन बैठे ने तुम इस बारे में क्या आखसो कि उन्होंने उससे की होना चाहिए उन्होंने जोड़े लोग शहीद हुए हैं स्पेशली जी बिल्कुल असंधी गल बिल्कुल बजा है कि 7 बंदे असंधे हजारे बेगुनाह शहीद हुए
मैं उस पूरे 12 अप्रैल 2010 का मौके पर मौजूद हैं सुबह तो शाम तक असने सामने जो कुछ होली खेली गई है रियासती दहशतगर्दी की वजह वही सारी मतलब उन्हें इतनी दहशतगर्दी की है कि तारीख बिच इंसान इस तरह के वाकयात बहुत घट मिलते हैं कि रियासत की मशीनरी आम आदमी वास्ते जो अपने आका से निकलता है या बेगुनाह है बेसहारा है तो उस उत्ते रियासत दहशतगर्दी की गई है। 7 बेगुनाह शहीद हुए 200 के करीब जख्मी हुए तो जी गल तुम करते हो कि यार उन्होंने क्या किया गया है तहरीक सूबा हज़ारा वक्तन फवक्तन जो भी मौका मिलता रहा है उन्होंने वास्ते असं आवाज़ उठाते रहे हैं बलखसूस 12 अप्रैल जहाँ भी आंदा बरसी से भी फिर असा ने मैं पहले जिक्र किया जिस तरह असद कैसर साहब नाल मुआहदा होया मैं तुम्हारी तहरीरी मुआहदा तुसा दसाल भी रखना ठीक है उस पर 50 लाख रुपया असद कैसर साहब ने मनिया कि फी असी जो शहीद है उन्होंने दसा अच्छा और इस तो कोई अमली इकदाम किए गए इस पर काफ़ी खतो कताबत हुई है अच्छा कमिश्नर साहब डी सी साहब के जरिए अच्छा क्योंकि सारे उस पर तकरीबन गरीब लोग मतलब गरीब लोग तलाक रखने वाले लोग तो उस बिच शायद बाद कफील मुश्ताक गनी साहब भी एक दो दफ़ा इस चीज़ उत्ते थोड़ा बहुत कार्रवाई की है लेकिन आखिर बिच ये लोग उत्थे बेबस आते हैं पेशावर में जाके असं तो यही रोना है ना सर हूँ तो उन्होंने आप ही घूमते हैं बेबसी हुकूमत हुकूमत उन्होंने नहीं जी हुकूमत किसी होर दी है बेचारे मोहरे बैठे ने इन्हें हूँ भी नहीं मनते ना मैं तुसा इन्होंने लैटर दसा उस पर उन्होंने मेरा रेफरेंस भी दिता यार इन्होंने सुने अप्लाई की है यार इन्होंने लोगों एक तहरीर मुआहदा होया उसने 50 लाख रुपया फी कस इन्हें देना किया और मैं शायद भुलदा 5 लाख या 10 लाख रुपया जख्मियों से ना रखा ठीक है उस तो असं काफ़ी खतो कताबत की है लेकिन बस कदे जवाब आंदा जी कि नहीं हो सकता यानी किसी भी मुआवजा मिले नहीं आज तक नहीं वो शुरू में 3-3 लाख रुपया मिले सी उन्हें और उस पर भी एक दो बंद नहीं कहता सी अच्छा जख्मियों को 1 लाख रुपया मिले आ शुरू में शायद गवर्नमेंट ने उस पर देता है उस तो बाद किसी ने कुछ नहीं दिता तहरीरी मुआहदा मौजूद है असं उस पर सोच रहे हैं या उस कोर्ट हैं जुला या दोबारा असं अस कैसर साहब न कौमी असम्बली के स्पीकर हैं उन्होंने यही कोशिश की तुम शुहादा के जो अजीजो कारोब ने उन्होंने तो उन्होंने लोगों को जुलो तो उन्होंने आखो कि ये लोग चूंकि जो शहीद होने स्पेशली वो अपने घर के वाहिद कफील भी है और इस तरीक की नज़र हो गए हैं बीन चढ़ गए हैं और इन्हों की कोई माली मदद की जुले या इन्हें कोई और किसी तरीके कंपनसेट किया जुले कोई कोशिश की है तहरीक सूबा अदारा के प्लेटफॉर्म से जी बिल्कुल बाकी सियासतदान तो नहीं करते क्योंकि उन्होंने इस तहरीक न कोई खास गरज मतलब नहीं है उन्होंने मरवाने मरवा छोड़े ने जी अच्छा जी असें जी मैं तुम्हें गल की असें इन्हें सारे बुला के क्योंकि जिस वक्त असं दोबारा केस बढ़ा के 50 लाख वाला असं पेशावर भेजे तो वो फिर उन्होंने वापस भेजे कि भाई ये इन्होंने जो वारसान हैं ओरिजिनल वारसान उन्होंने आई डी कार्ड भी उन्होंने पूरा तस्दीकशुदा चीज़ें सारे वो तुम ला के भेजो फिर असं सारे ने कंटैक्ट किया तो सवाए एक बंदे तो वह नहीं मिले बाकी दो बंदे वो एक फॉरन में चले गए तो एक एक तरह एक तो कोई पता नहीं चले गया किधर फैमिली किधर गई अच्छा तो सारे बंदे अस टच किया अस बुला के उन्होंने को एप्लीकेशन लिखा के आईडी कार्ड लेके सारा कुछ दोबारा अस भेजे बड़े बेचारे थोड़ा जो उन्होंने हौसला होया यार चलो 50 ना मिले 25 मिल जुड़ सी लेकिन कुछ अस भी बड़े खुश हुए यार चलो एक गरीब आदमी एक बेगुनाह शहीद हुए तो इस वास्ते वो फिर अगे अवामी नेशनल पार्टी 63 साल लाइन और असम्बलियाँ में जवाब उठा के सिर्फ सूबे का नाम चेंज करने वास्ते जबकि साढ़े तहरीक सूबा हज़ारा दी अजे तक एक मैंबर की भी नुमाइंदगी नहीं तो किस तरह यह तहरीक अगे बढ़ के कामयाब हो सी के इस तरह तुम एक मत अमली तुम दिखे हुए इस बारे में देखो जी ये तुम गल बजाए चीज़ा सारिया असम्बली ही आदियां फिर सरकार के मसले हल नहीं होते लेकिन हर कोई तबका तुम कहो मिसाल तौर तुम कोई मुलाजम कहो मुलाजमान का कोई बंदा असैम्बली में नहीं आता लेकिन वो अपने इताद इतफाक नाल अपने मुतालबात इस बेहतर अंदाज में पेश करते हैं कि अगले मजबूर होते हैं ठीक है असंधी इस मौजूदा सियासी जो निज़ाम है ना जी इस बिच आम आदमी का तुम तसव्वुर नहीं कर सकते वह असैम्बली में जुलसी आम आदमी तो मतलब है कि बगैर पैसे वाला मालदार आदमी उसी पावे चोर होवे चकार होवे डाकू होवे उस
ਇਹ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਟਿਕਟ ਵੀ ਦੇਣੀਆਂ ਉਹ ਜੁਲਦੇ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਕਿਤਨਾ ਹੈ ਜਬਕਿ ਸਰ ਇਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹਨ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਤਹਿਰੀਕ ਸੂਬਾ ਅਦਾਰਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਜਿੱਤਣੇ ਵਾਲੇ ਹਨ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਟਰੱਕੇ ਦੀ ਬੱਤੀ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਸਿਆਸੀ ਖਾਨਦਾਨ ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿੱਤਣੇ ਚਾਂਸ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟੀਬਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤਹਿਰੀਕ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸੀ ਸਾਡੀ ਤਹਿਰੀਕ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਐਮ ਕਿਊ ਐਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਚਾਹ ਕੇ ਠੀਕ ਐਮ ਕਿਊ ਐਮ ਇੱਕ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਸਨੇ ਐਮ ਪੀ ਏ ਮੈਨੇ ਬਣਾਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਰੇਹੜੀ ਰੇਹੜੀ ਲਾ ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਟਿਕਟ ਦੇ ਕੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਨਾ ਜਬਕਿ ਤਹਿਰੀਕ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸੂਬਾ ਹਜ਼ਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਹੋਏ ਦਿਨ ਜਾਂ ਨਾਕਾਮ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਤਹਿਰੀਕ ਸੂਬਾ ਹਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਨਾਕਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਤਨੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹਨ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਹਨ ਔਰ ਇਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਾ ਸਮਝਦਾ ਆਉਂਦਾ 50 ਸਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਹਿਰੀਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਜੁਲ ਸਨ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸੀ ਤਹਿਰੀਕ ਕਾਮਯਾਬ ਦੇਖੋ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸਬਾਬ ਪੈਦਾ ਕਰ ਛੁੜਦਾ ਅਗਰ ਮਤਲਬ ਅਸਾਂ ਦੇ ਖਲੂਸ ਅਸਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਠੀਕ ਹੋਈ ਨਾ ਜੀ ਤੇ ਅਸਾਂ ਅੱਲਾ ਅਸਬਾਬ ਪੈਦਾ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਦੇ ਮਸਲਨ ਡਾਕਟਰ ਅਜ਼ਹਰ ਜਦੂਨ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਯੂਸਫ ਸਾਹਿਬ ਅਮਨੁੱਲਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਈਵਨ ਗੌਰ ਅਯੂਬ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਆਪਣੀ ਮੁਰਦਾ ਸਿਆਸਤ 'ਤੇ ਜਾਨ ਪਾਈਏ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜੁਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਯਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਇਸ ਤਰੀਕ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਥ ਦਿਓ ਉਸੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਔਰ ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਔਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਕਰਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਕੁਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਰੱਖਦੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਅਗਰ ਬੰਦੇ ਦੇਸ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਜੁਲ ਸਕਦੇ ਸਰ ਫਿਰ ਉਸ ਲਈ ਤੁਸਾਂ ਲੋਕਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਮਜਬੂਰੀ ਹਰ ਹਜ਼ਾਰੇਵਾਲ ਆਇਆ ਉਸ ਲਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਹਰ ਹਜ਼ਾਰੇਵਾਲ ਨੇ ਉਸ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਅਸਾਂ ਡੁਬਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਿਆਂ ਤੋਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਜ਼ਾਰੇਵਾਲ ਆ ਡੁਬਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਮੂਮ ਇਰਾਦੇ ਉਸ ਆਵਾਮ ਅੱਗੇ ਉਜਾਰੋ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਲਸੇ ਜਲੂਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਵਾਮ ਕੋਲ ਜੁਲ ਕੇ ਕਿ ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਅਸਾਂ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਮੁਜਰਮ ਨਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਜੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪੀਤਾ ਅਸੀਂ ਹਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਲੈਠਾਈ ਕਰਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਸਾਂ ਉਠਾਉਂਦੇ ਵੀ ਆਵਾਂ ਔਰ ਉਠਾਸਾਂ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਯਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰੀਕ 'ਤੇ ਜਾਨ ਪਾਉਣੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਖਿਦਮਤ ਅਮਲੀ ਕਰਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸਾਂ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਲੋਕਲ ਆਫ 'ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਹੈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਚੇਂਜ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਰਦੋ ਬਦਲ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕ 'ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਨ ਪਾਸੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਤਰਫ ਬੜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਸਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੁਕਨ ਸਾਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਮੁਨਜ਼ਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਹਜ਼ਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੰਜੀਦਾ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆਏ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਬਾਈ ਆ ਕੇ ਸੰਭਾਲੋ ਇਹ ਤਹਿਰੀਕ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਸੰਭਾਲੋ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਟੁਰਨੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹਣਾ ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸੋ ਪਿੱਛੇ ਟੁੱਟ ਸੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸੋ ਅੱਗੇ ਟੁਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਮੋਮਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਇਲੈਕਟੀਬਲ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੀ ਖਾਨਦਾਨ ਬਰਾਦੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਲੋਕ ਨਾ ਹੋ ਸੁਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹੀ ਵੇਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲੋਅਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਲੈਵਲ ਤਹਿਸੀਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉਹ ਹੀ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆ ਸੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਭਾਈ ਕੌਮੀ ਸਮਝਦੀਆਂ ਨੇ ਟਿਕਟ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਰਾ ਤੁਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਜਾਏ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਮੈਂ ਅਸੀਂ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਹੀਂ ਜੋ ਲੱਗਦਾ ਐਸਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਤਸੱਵਰ ਵੀ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਤੋਂ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਜੁਲੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੌਂਸਲ ਤੱਕ ਦੇਖੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੌਂਸਲ ਤੱਕ ਕਿਹੜੀ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿਤਨੀ ਅਜੀਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੂਏ ਡੈਮੇਜ ਕੀਤਾ ਜੁਲਦਾ ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਜੁਲਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਇਸ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅਸੀਂ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਖੇਡ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਅਸਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਅਸਾਂ ਦਾ ਅਸਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਠੀਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਚਾਹੇ ਇਹ ਹੀ ਹੋਣ ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਆਵੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਅਗਰ ਅਸਾਂ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੋਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮਜਬੂਰ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰੇਵਾਲ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਠੀਕ ਹੈ ਆਖਿਰ ਕੁਝ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਗੈਰਤ ਅਮੀਰ ਜਾਗਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਗਸੀ ਅਸਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਕਸਰ ਆਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੌਜ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਅਜ਼ਾਨ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਮਾਜ਼ੀਆਂ ਪਕੜ ਕੇ ਨਾ ਆਵੇ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ
इस आख से आपड़िया तो असी भी वो बाबा जी के उस एकमाद नाल असी अजान देंदे रहे सां अज नहीं कल नहीं परसों किसी के दिल से लग सी ते शायद आज असां ते नहीं समझ आती असां दी नसलां इस जो असां नाल हो रहा है गुजार देख चुके हैं असं चाहते कि असं नसलां कम अज़ कम वो सुकून की जिंदगी गुजारन उन्होंने अपना हक सर मौजूदा सियासी हवाले मैं तुम गल कर सा पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत तब्दीली का नारा ला के इकतदार में आइए क्या वो अपने इस मिशन में कामयाब होइए या एज इट इज़ जिस तरह पुराना पाकिस्तान है उस तरह ही नवा पाकिस्तान नहीं पे चल रहा है मेरा जी बड़ा आम आदमी जड़ा है ना वो इस उत्ते बड़ी उम्मीदें सन इमरान खान की जात उत्ते पार्टी की मेरे गल लेकिन सारिया उम्मीदा बैड गवर्नेंस ने लोगों दी खत्म कर दी मतलब कुछ तब्दीली दे तब्दीली के मतलब है अगले का बेड़ा भी खरक हो गया पाकिस्तान का पुराना पाकिस्तान के पुराने तो भी 1947 पीछे चला गया पाकिस्तान सर मैं आखिर उसे तुम एक क्वेश्चन कर स्पेशली सिंको चैनल के हवाले अपनी माँ बोली के हवाले आखसो कि इसकी प्रमोशन इसकी तरवीज उसते किस तरह मदद करने की कोशिश कर सो किस तरीके किस तरह अभी इसकी के एक मध्यम लिए तैयार करा कि साड़ी माँ बोली बाकी मंदा रहे बाकी जबाना की तरह जी बिल्कुल माशाल्लाह मैं पहले मुबारकबाद दी हूँ मुबारकबाद देना कि तुसा इस माँ बोली जी असें दी है इस तुसा कम अज़ कम तुसा जिंदा रखे दा असें दे घरां बिच आम आदमी दे घरां बिच जिहड़ा मतलब अजकल दियां जिहड़ियां असें दियां घर दियां मालक हैं ना वो बुरा समझदियां ने असां कि बच्चा नाल इनको भी गल करो कि बच्चा वो होंदा मैं तुसा नाल पहले गल कीती बैठे कि असी दुनिया की हर जबान असां दा बच्चा सीख सकसी पूरे दुनिया में इनको सीखनी ते घर भी सीखनी अपनी माऊ को सीखसी अपने अपनी माऊ को सीखसी अपने वालदैन को सीखसी अपनी बरादरी भी सीखसी ते दुनिया के बाकी जबान सीख सकते नहीं सकते तुसां दी असां दी हर किस्म का तुसा नाल तावन बिल्कुल इंशाल्लाह इस क्योंकि असी इस असां दा पहचान है असां दी इनको हजारा और इनको इस वास्ते जनाब मैं कम अज़ कम और मैं पूरी तहरीक की तरफों तुसा यकीन दिलाना इस तरह से जो तुसा आखसो असी उस वास्ते इंशाल्लाह बहुत बहुत मेहरबानी सुल्तान साहब मैं आखिर उत्ते तुसा दा फिर एक बारी मशकूर हाँ अपने चैनल की तरफों चैनल के मालक राजा इशवाक कियानी प्रोड्यूसर सरदार तकीर साहब और उन्होंने टीम पूरी तरफों और ये उम्मीद रखना कि इंशाल्लाह वक्तन फक्तन जद कदे असी तुसा बुलासां तुसी जरूर साडे इस प्रोग्राम में शिरकत कर सो नाज़रीन तुसा सुल्तान अल आरफीन साहब जनरल सैकटरी तहरीक सूबा हज़ारा और शरीक चेयरमैन की गलबात सुनी है स्पेशली तहरीक के हवाले नाल और अगले किसी प्रोग्राम तक इजाजत दो फिर मिलसा अपना बू बू ख्याल रखियो अल्लाह हाफिज़।